मोनेको पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि तीन तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है और देश का शेष हिस्सा भूमध्य सागर से घिरा है। इस क्षेत्र के आधार पर दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश कहा जाता है। वे विश्व के दूसरे सबसे छोटे देश का तमग्गा भी इस देश को हासिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। मोनेको का कुल फल क्षेत्र 2.2 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की कुल जनसंख्या 31,000 के लगभग है। दुनिया भर के अमीर और प्रसिद्ध लोगों के लिए मोनेको एक प्रमुख पर्यटन स्थल और मनोरंजन केंद्र रहा है। हर साल हजारों सैलानी देश की प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत समुद्री तट, कैसीनो व प्राचीन वास्तुकला से सुजीजित प्राचीन महल, इमारतें आदि देखने मोनेको देश आते हैं। मोनेको ने 8 जनवरी 1297 को रिपब्लिक ऑफ कनेवा से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। 1956 में अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेस पैत्रिका कैली ने रेनर थ्री से शादी की और इस प्रकार ग्रेस पैत्रिका कैली मोनेको की राजकुमारी की गद्दी तक पहुंची। पुरातत्वी पुराणों से पता चला है कि मोनेको में इंसानों की प्रजाति 300 वर्ष से चली आ रही है, अथवा मानवों की जो पुरानी साल है ना, जैसे जो पुराना इतिहास था वहाँ के ना कुछ आदमियों का भी है ना जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे बॉडी वोडी, ऐसे ना बहुत सारी इनको अवशेष मिले थे। मोनेको के मूल निवासियों को मोनेको गैस कहा जाता है। मोनेको में सरकारी मान्यता प्राप्त जुआ सैकड़ों सालों से इस देश में खेला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मोनेको में जुआ खेलने के लिए कैसीनो की शुरुआत 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। मोनेको में पहला कैसीनो 1863 में खोला गया, जिसमें मोनेको में आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। मोनेको में प्राचीन समय से रोमन कैथोलिक की परंपरा का सम्मान किया जाता है। मोनेको के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 में होगी। मोनेको का शासन एक संवैधानिक राजशाही रियासत के आधार पर चलता है, जिसे ग्रिमाल्डी हाउस कहा जाता है। वे इसी घर के वंशज के शासन इस देश पर चलता है। मोनेको का सत्तारूढ़ घर यूरोप का सबसे पुराना घर है। मोनेको का राष्ट्रीय ध्वज इंडोनेशिया के समान है और ध्वज के आकार में एकमात्र अंतर है, मोनेको की तुलना में इंडोनेशिया का ध्वज थोड़ा चौड़ा है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कल्चर एंड ट्रेडिशनल फैक्ट्स के बारे में। मोनेको की संस्कृति वे परंपरा रोमन कैथोलिक की परंपरा के इर्द गिर्द घूमती है। उदाहरण के तौर पर मोनेको के त्योहारों में शादी समारोह इत्यादि रोमन कैथोलिक परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। इस देश के मूल निवासी अल्पसंख्यक हैं। वे इस देश में विदेशी नागरिकों की संख्या अधिक है। इस देश में मेजोरिटी पॉपुलेशन ईसाई धर्म के लोगों की है। मोनेको में सबसे ज़्यादा लोग है ना फ्रांस के लोग रहते हैं, और इसके बाद यहाँ पे इटली और ब्रिटेन के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मोनेको के लोग बस 1% यानी 1/5% ही रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम लोग रहते हैं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कौन से देश जाना चाहोगे वैसे, कमेंट करके। 1910 में निर्मित द ओशियनोग्राफिक म्यूजियम मोनेको का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण में से एक है। आप संग्रहालय में गहरे समंदर की शिकारियों और ट्रॉपिकल मछली को देख सकते हैं। मोनेको की 98% आबादी पढ़ी लिखी है। वे इस देश में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जाता है।